अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम गूगल मैप ऐड करना सीखेंगे। काफ़ी सारी ऐसी साइट होती हैं जिनमें कॉन्टैक्ट अस के नीचे गूगल मैप भी ऐड होता है। गूगल मैप का फायदा ही होता है कि जब कोई ऑनलाइन होता है वहाँ पे और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जाता है तो वहाँ पे वो कौन सी लोकेशन में है वो चीज़ से देख सकते हैं। तो इसके लिए देखें तो यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है और इस तरह का हमने फॉर्म भी क्रिएट कर लिया, ये चीज़ भी ऐड करनी सीख ली और इसके अलावा कोड भी आ गया। और अब हमने यहाँ पे ये चीज़ है मैप है जो ये देखना है, व्यू लॉजर मैप पे क्लिक करके आप देखें तो पूरा मैप आप देख सकते हैं, पूरा मैप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह आपने मैप ऐड कैसे करेंगे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ से टाइप करना है यहाँ पे गूगल मैप, एंटर कर दें, आपस यहाँ पे गूगल मैप आ चुका है। अब इस गूगल मैप को अगर आपने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइप करनी है अपनी लोकेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान में मैं टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एबटाबाद, एबटाबाद पाकिस्तान आ गया। देखें पूरी लोकेशन यहाँ पे एबटाबाद में, आप देखें मरी रोड यहाँ पे आ रहे हैं, मरी रोड मेरी ये जो लोकेशन है। और यहाँ पे अगर मैं इसी तरह में टाइप करता हूँ जी मरी रोड, ये मरी रोड आ गया, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से गूगल मैप से हर चीज देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैप देख सकते हैं। इसको और भी अगर जूम करते हैं, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आप कंप्लीट अपनी स्ट्रीट तक आप जा सकते हैं, अपनी स्ट्रीट भी देख सकते हैं। तो ये देखें इस तरह मैप यहाँ से क्रिएट करें। मैप यहाँ तक बनाने के बाद आप यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान एबटाबाद पाकिस्तान में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे सेंड टू योर फोन, आप अपने मोबाइल पे इसको सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं। और नियर बाय सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ पे इससे नज़दीक तरीन कौन सी चीज़ है कहाँ पे है, उस चीज़ें आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे शेयर, शेयर पे क्लिक करके तो URL आपके कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे तो ये शेयर हो जाएगा, किसी को भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एम्बेड मैप का ऑप्शन है। एम्बेड मैप के ऑप्शन में आपने क्या करना है, जब भी आप कुछ सर्च करेंगे ये जो चीज़ है शेयर, ये पहले नहीं आपके पास सामने आएगी, जब आप कुछ चीज़ सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दोबारा चलता हूँ गूगल मैप, गूगल मैप देखिए ये गूगल मैप आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई शेयर का ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे अपने पहले क्या करना है आपने अपनी लोकेशन को सर्च करना है, लोकेशन को सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, इस शेयर पे आपने क्लिक करना है और एम्बेड मैप पे क्लिक करें। अब यहाँ पे डिफरेंट साइज है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है, बहुत ज्यादा स्मॉल अगर ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, मीडियम साइज ऐड करना चाह रहे हैं, इसके अलावा लार्ज साइज है और कस्टम साइज। तो वहाँ पे जो दिया हुआ वो कस्टम साइज दिया हुआ है, डायमेंशन जो आपकी वहाँ पे दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल कस्टम साइज में मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी 800x300 करता हूँ, प्रीव्यू एक्चुअल साइज देख सकते हैं तो ये वाला साइज आ जाएगा। अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि जी नहीं 800 ठीक है बाय 200 करना चाह रहे हैं और प्रीव्यू एक्चुअल साइज देखें तो ये वाला साइज आ जाएगा। अब इस साइज को मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, यहाँ से कोड एम्बेड कोड, इसको आपने क्या करना है कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करें और ब्लॉगर में जाके व्यू ब्लॉगर में जाएं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला जो पेज है वहां पे इसको ऐड कर लें। पेजेस कॉन्टेक्ट एडिट पे जाएं, HTML में जाएं और सबसे लास्ट में आप जाके इसको ऐड कर लें, कंट्रोल भी पेस्ट करके अपडेट कर लें इसको, कॉन्टेक्ट को व्यू करें, कॉन्टेक्ट अस आ गया, ये चीज आ गई। उस साथ ये देखें ये मैप इसके साथ ऐड हो गया। अगर आप इसका साइज बड़ा रखना चाह रहे हैं तो बड़ा साइज रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसी तरह यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने कस्टम साइज की जगह आपने यहाँ पे रखना है मीडियम, मीडियम साइज सही रहेगा, मीडियम साइज को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कोड जो है इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाएं
कॉन्टेक्ट में जाके तो एडिट पे जाएं और एस्टिमेट सबसे लास्ट में आपका मैप आ जाएगा। ये आई फ्रेम, ये मैप है आपका। कंट्रोल भी करके तो पेस्ट कर लें, अपडेट कर लें। अब यहां से इसको रिफ्रेश करके देखिए, देख सकते हैं तो यहाँ पे चीज आ गई। अब देखें तो आपके पास मैप भी ऐड हो गया और आपने कंप्लीट हमने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म क्रिएट कर लिया। इसे मैं यहां से देखें जरा, अबाउट में जाते हैं, यहां से ही ये अबाउट आ गया। कॉन्टेक्ट में जाएं, कॉन्टेक्ट का फॉर्म भी बन गया। डाउनलोड में हमने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं इस पे काम, क्योंकि इसमें सिर्फ फोर्थ शेयर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाउनलोड सॉफ्टवेयर और गेम्स का आपने अलग से एक बनाना है, लेबल बनाना है। बनाने के बाद उस पर आप कोई भी गेम वगैरह कोई भी चीज़ जो है उसको ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोर्सेज में हमने ऑटोकैड का ऐड किया था, ऑटोकैड पे क्लिक करें तो ऑटोकैड आ जाएगा। इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगा। वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे, वेब डिजाइनिंग आ जाएगा। देखिए ऑटोकैड आ गया। और कोर्सेज में आप अगर यहाँ पे कोई भी आप चीज़ ऐड करना चाहें तो यहाँ से वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करें, वेब डिजाइनिंग आ जाएगा। तो हम इस तरह यहाँ से ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने एक जो है तो कॉन्टेक्ट फॉर्म और उसके साथ हमने एक मैप ऐड करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह, हमारा तकरीबन कॉन्टेक्ट फॉर्म भी कम्प्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेसन से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो इसके जो गैजेट्स होते हैं इनके ऊपर काम करना सीखेंगे कि आप ये गैजेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के सोशल बटन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह के गैजेट्स जो है आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।